तो गाइस रेडी हो जाओ, जिसका बजट कम है 10,000 के आसपास है और 5G फोन लेना चाहता है उसके लिए भाई गुड न्यूज है, क्योंकि IQ अपना नया 5G फोन को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर रहा है जिसका प्राइस काफी कम होगा। मैंने आपको बताया 10,000 के आसपास होगा और इस फोन का नाम होगा IQ Z9 Lite 5G। और इस फोन का जो डिजाइन होगा देखने में कैसा होगा वो दिखाने वाला हूँ आज इस वीडियो में, साथ ही साथ सारे 100% कन्फर्म फीचर्स भी मैं आपको बताऊंगा, गेमिंग के लिए कैसा होगा, कैमरा के लिए कैसा होगा, डिस्प्ले वगैरह क्या कुछ आपको मिलने वाला है इस फोन में, साथ में कब तक ये इंडिया पे लॉन्च होगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो अगर आपका बजट कम है 10-11 हजार के आसपास है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके एंड तक देखो, लेकिन हो सके तो इस वीडियो को अपना दोस्त फैमिली मेंबर रिश्तेदार के पास जरूर से शेयर करना और वीडियो को एक लाइक कर देना यार, अगर एक लाइक करोगे तो वीडियो थोड़ा सा जल जाएगा, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं भाई लाइक जरूर से करना। तो देखो एक टाइम था भाई इंडिया पे 10,000 के आसपास के बजट में हमें सारे ही फोन 4G मिलता था, बट अभी दोस्तों लगभग सारे फोन हमें 5G मिलना स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों IQ एक ऐसा ब्रांड है जिसके बारे में आपको बताई है, ज्यादातर फोन भाई गेमिंग यूजर को टारगेट करके लॉन्च करता है, मतलब फोन में गेमिंग फीचर्स काफी तगड़ा देता है। अब देखते हैं यहां पर IQ Z9 Lite 5G जो लॉन्च कर रहा है इसमें क्या कुछ फीचर्स आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको फोन का डिजाइन दिखा देता हूं, फोन का बैक साइड में आप यहां पर देख पा रहे हो भाई ड्यूल रियर कैमरा आपको मिलेगा और डिजाइन कुछ इस तरीके का मिलेगा जो कि फिलहाल अभी लीक होकर इसका डिजाइन निकल के आया है। और फोटो देख के ये पता चल रहा है कि बैक साइड में आपको प्लास्टिक यानी पॉलीकार्बोनेट का बैक पैनल मिलेगा, बट ओवरऑल देखने में तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, अलग अलग कलर वेरिएंट भी आपको इसका मिल सकता है, बट आपको इसका डिजाइन कैसा कमेंट करके जरूर से बताना। अब चलिए IQ Z9 Lite 5G का सारे 100% फीचर्स हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई चिपसेट से, क्योंकि फोन आ रहा है 5G के साथ और चिपसेट अगर बढ़िया होगा तो वहां पर हम लोग 5G भी आराम से यूज कर पाएंगे और साथ में भाई गेम भी खेल पाएंगे। तो यहां पर आपको जो चिपसेट मिलेगा MediaTek की तरफ से रहेगा, Dimensity सीरीज का MediaTek Dimensity 3 वाला चिपसेट दोस्तों, और ये चिपसेट 6 नैनोमीटर में बना हुआ चिपसेट है जहां पर आपको 4 लाख प्लस अंतुतु स्कोर मिल जाता है। अब अंतुतु स्कोर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहां पर आप गेम भी खेल सकते हो, चाहे फ्री फायर चाहे BGMI। देखो नॉर्मल गेमिंग तो आपको आराम से करवा देगा, बाकी यहां पर अगर आप 5G यूज करना चाहोगे तो आराम से भाई 5G भी यूज कर पाओगे, क्योंकि यहां पर ड्यूल 5G का सपोर्ट मिल जाएगा और साथ में दोस्तों आपको यहां पर काफी सारा 5G बैंड का भी सपोर्ट मिलने वाला है। तो भाई कनेक्टिविटी में इस फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन डे टू डे यूजर एक्सपीरियंस भाई इस फोन का काफी बढ़िया होने वाला है। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आपको मिलेगा, जहां पर आपको IQ का अपना जो OS होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी अपडेट वगैरह का भी यहां पर प्रॉमिस करने वाला है। अब देखते कितना प्रॉमिस आता है IQ की तरफ से, लेकिन यहां पर और एक चीज भाई काफी बढ़िया होने वाला है वो है इस फोन का कैमरा। देखो बैक साइड में जैसे कि मैंने आपको दिखाया थोड़ा टाइम पहले ड्यूल रियर कैमरा आपको देखने को मिल रहा है, बट जो मेन सेंसर होगा वो भाई 50 मेगापिक्सल का एक सोनी का सेंसर दिया जाएगा दोस्तों, और आपको तो पता ही है सोनी का सेंसर भाई काफी तगड़ा होता है। और इस फोन में जो सोनी का सेंसर यूज किया जाएगा वो IMX852 वाला सेंसर यूज किया जाएगा, तो मुझे लगता है यहां पर फोटोग्राफी के लिए मतलब बजट में काफी अच्छा फोन ये होने वाला है। बाकी सेल्फी की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट में सेल्फी कैमरा भी मिल जाएगा, और इसी के साथ इस फोन में और एक फीचर्स काफी बढ़िया मिलने वाला है जो रहेगा IP रेटिंग। भाई IP64 का रेटिंग आपको मिलेगा और इस बजट में ये वाला फीचर्स भाई ज्यादातर फोन में हमें नहीं मिलता है, मतलब ये फोन थोड़ा बहुत आप वाटरप्रूफ कह सकते हो, पानी का छींटा वगैरह या फिर कभी-कभार बारिश में अगर भीग भी जाता है ना तो दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी सिक्योरिटी के मामले में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, फ्रंट में आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाएगा, और यहां पर दोस्तों 5000mAh का बैटरी मिलेगा इस फोन में। मेरे ख्याल से बैटरी में कोई इशू नहीं होने वाला है, आराम से एक दिन बैटरी बैकअप आपको निकाल के देगा, लेकिन यहां पर 15W का आपको चार्जर मिलेगा। और साथ में जो डिस्प्ले मिलेगा वो 6.56 इंच का डिस्प्ले मिलेगा जो कि एक LCD पैनल होगा, बट मुझे लगता है ये HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले होगा, 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, तो ब्राइटनेस का भी यहां पर कोई इशू होने वाला है नहीं। और फोन आपको दो वेरिएंट में मिलने वाला है, एक 4GB 128GB और एक 6GB 128GB, बाकी LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का आपको स्टोरेज मिलेगा। तो ये कंप्लीट फीचर्स आपको मिलने वाला है IQ Z9 Lite 5G में। अब अगर कहोगे भाई ये फोन कैसा है, तो देखो थोड़ा बहुत आप इसमें गेम खेल सकते हो, कैमरा भी मुझे लगता है बजट में काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि यहां पर सोनी का सेंसर दिया जा रहा है, बाकी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आ रहा है। और जैसे कि मैंने बताया भाई इस फोन का जो बेस वेरिएंट आएगा उसका प्राइस 10,000 के आसपास होने वाला है, तो यहां पर प्राइस कम करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, मतलब 15W का चार्जर, HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले, तो ये चीज मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, बट बजट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है ये फोन काफी बढ़िया होने वाला है। लेकिन आपको यहां पर इस फोन का सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताया वो कैसा लगा बजट के हिसाब से आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। अगर आप इसका लॉन्च डेट के बारे में पूछोगे तो भाई अभी फिलहाल इसका ऑफिशियली लॉन्च डेट तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आने वाला 1-2 हफ्ते में ये ऑफिशियली इंडिया पे लॉन्च होगा और ये फोन आपको Amazon पे देखने को मिलेगा। बाकी ये फोन ना Vivo T3 Lite जो आ रहा है Flipkart में उसी का रीब्रांडेड फोन होने वाला है, डिजाइन भी लगभग सेम होगा, फीचर्स भी आपको 100% सेम देखने को मिलेगा। अब देखते हैं प्राइस में क्या कुछ अंतर होता है, बाकी अगर आप चाहो तो इस फोन का वेट कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, और जाने से पहले ये वाला वीडियो देखना या फिर चाहो तो ये वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड कीप वॉचिंग।